आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की कैनिबल्स के बीच में फंस जाती है और फिर उन कैनिबल्स ने उसके साथ जो किया ये आपको मूवी में पता चलेगा। तो मूवी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कई पुलिस ऑफिसर्स एक क्रिमिनल लड़की को एक जगह पर लेकर आते हैं। उस जगह पर 5000 से ज्यादा क्रिमिनल्स को रखा होता है और वो सभी वहाँ से भाग ना पाए इसलिए वहाँ पर स्टील के तार की एक दीवार बनाई गई होती है। जिस लड़की को वहाँ पर लाया गया था उसका नाम आर्लिन होता है। वो लड़की वहाँ से आगे बढ़ती है तो वहाँ पर एक बोर्ड देखती है जिस पर लिखा था कि यहाँ से आगे का एरिया अमेरिका के अंडर में नहीं आता और उस एरिया में किसी के साथ कुछ भी होगा अमेरिका उसका जिम्मेवार नहीं होगा। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद आर्लिन को एक कार दिखती है तो रेस्ट करने के लिए वो उस कार में बैठ जाती है, पर उसे ये पता नहीं चल पाता कि कोई उसकी ओर तेजी से आ रहा है। और जब उसे ये पता चलता है तो काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो लोग आर्लिन को पकड़ लेते हैं। और जब आर्लिन को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। तभी एक लेडी आर्मी ब्लेड लेकर आर्लिन की तरफ आ रही होती है और वो आर्लिन का एक हाथ काटने लगती है और साथ में ही उसका एक पैर भी काट देती है। और वो उसे पकाकर खाने वाले थे क्योंकि वो ग्रुप था कैनिबल्स का। डेजर्ट पर कुछ खाने को नहीं मिलता तो लोग कैनिबल बन जाते हैं, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग कम्फर्ट में रहते थे और जो कोई डेजर्ट में आता ये लोग उसे पकड़ लेते और उसे खा जाया करते थे। और ये सभी कैनिबल अपनी हेल्थ का काफी ख्याल रखते थे और खुद को काफी फिट रखते थे। इन्होंने वहाँ पर कई सारे लोगों को कैद कर रखा था जिनके हाथ पैर भी इन्होंने काट दिए थे। इन कैनिबल्स को जब भी भूख लगती है तो ये इंसानों को पकड़ लेते हैं और उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट काट कर उसे खा लेते हैं। अब आर्लिन भी इनका शिकार बन चुकी थी। वो समझ जाती है कि वो भी अब इनका खाना बनने वाली है और वो अगर अपनी जान बचाना चाहती है तो उसे वहाँ से निकलना होगा, लेकिन वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसका एक हाथ और पैर कटा हुआ था और साथ में ही उसे चैन से भी बांधा गया था। फिर आर्लिन को एक आइडिया आता है। वो अपनी पूरी बॉडी पर अपना वेस्ट मटेरियल लगा लेती है। अगले दिन एक कैनिबल लेडी उसके पास आती है तो देखती है कि वो वेस्ट मटेरियल से भरी हुई है। ये देखकर वो कैनिबल लेडी उसे खोल देती है और आर्लिन की सफाई करने के लिए उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। और जब वो कैनिबल लेडी उसे साफ कर रही होती है तो आर्लिन एक लोहे की रोड से उस पे हमला कर देती है और आर्लिन उस रोड से हमला करके उस कैनिबल लेडी को जान से मार देती है। फिर आर्लिन घसीटते हुए वहाँ से भागने लगती है। वहीं पर उसे एक स्केटिंग बोर्ड मिलता है और वो उसके सहारे से वहाँ से भागने का सोचती है। इतने बड़े रेगिस्तान में आर्लिन थोड़ा दूर जाते ही थक जाती है और उसे बहुत जोरों से भूख और प्यास लग जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। वहीं पर एक आदमी होता है जो अकेला रहा करता था, मतलब ना ही वो आदमी कम्फर्ट ग्रुप का था और ना कैनिबल ग्रुप का था। वो बूढ़ा था और जिसकी वजह से वो अभी तक कैनिबल ग्रुप का शिकार नहीं बना था। वो आदमी आर्लिन को एक ट्रॉली में बिठाकर काफी दूर तक ले जाता है और उसे कम्फर्ट तक पहुँचा देता है जहाँ कम्फर्ट के बाकी लोग रहते थे। आर्लिन को वहाँ पर छोड़कर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। हम 5 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ आर्लिन के पास एक घर होता है और उसका एक आर्टिफिशियल पैर भी था। उसके बाद हमें एक कैनिबल फैमिली दिखाई जाती है। इसमें एक आदमी जिसका नाम मियामी मैन होता है और वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता था। मियामी मैन बहुत अच्छा पेंटर था जो अपनी बेटी का स्केच बना रहा होता है। फिर मियामी एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने कैद कर रखा था और वो उसे जान से मार देता है। डिनर करने के लिए वो उस लड़की के कई सारे टुकड़े कर देता है। फिर वो सब रात का खाना खाते हैं। अगले दिन हम आर्लिन को देखते हैं जो अपने हाथ और पैर को काफी मिस कर रही होती है और उसे उन कैनिबल्स पर काफी गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि उन्होंने ही उसका ये हाल किया था। और उन कैनिबल से बदला लेने के लिए वो एक गन लेती है और वहाँ से निकल जाती है। मियामी की वाइफ घर का कुछ सामान लेने के लिए अपनी बेटी के साथ बाहर आती है। वो दोनों माँ बेटी पुराने सामानों में से कुछ जरूरी सामान ढूंढ रही होती है, लेकिन आर्लिन उन्हें देख लेती है और वो उनके पास जाती है। आर्लिन को जब ये बात पता चलती है कि वो दोनों कैनिबल है तो वो उन दोनों को मारने का फैसला करती है। इन कैनिबल्स ने आर्लिन पर भी बिल्कुल तरस नहीं खाया था इसलिए आर्लिन भी मियामी की वाइफ को शूट करके मार डालती है। उस बच्ची की माँ जब मर जाती है तो वो बच्ची उसे देखने लगती है कि आखिर मेरी माँ को क्या हो गया है। बच्ची को ऐसे देखकर आर्लिन को उस पर तरस आ जाता है। वो डिसाइड करती है कि वो उस बच्ची को नहीं मारेगी और वो उस बच्ची को कम्फर्ट एरिया में ले जाती है। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को कम्फर्ट जाते हुए देख लेता है। फिर आर्लिन उस बच्ची को अपने ही घर ले जाती है और शाम होने वाली थी। मियामी की बेटी और वाइफ अभी तक घर नहीं आए थे इसलिए मियामी को फिक्र हो रही थी। फिर वो उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां आर्लिन ने उसकी वाइफ को शूट किया था। देखता है उसकी वाइफ की डेड बॉडी को कौवे खा रहे हैं।
और उसकी बेटी भी उसे कहीं नहीं दिख रही थी और उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। तभी अचानक मियामी की नज़र उस बूढ़े आदमी पर जाती है। फिर मियामी उसके पास जाकर उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या आपने इसे कहीं देखा है। फिर वो बूढ़ा आदमी मियामी को एक क्लू देकर उसकी बच्ची के बारे में बताता है और उसके स्केच पर लिखता है फाइंड कम्फर्ट, मतलब कि उसकी बेटी कम्फर्ट में है। फिर रात में आर्लिन उस बच्ची को लेकर एक क्लब में जाती है जहाँ पर उस एरिया का सबसे अमीर आदमी होता है और उसका नाम ड्रीम होता है। ड्रीम वहाँ के लोगों की नजरों में हीरो था क्योंकि पूरे कंफर्ट में वो अकेला ही ड्रग सप्लाई करता था। उस ड्रग्स को जो आदमी लेता था वो एक अलग ही दुनिया में खो जाता था। उसे लेने के बाद लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे वो ड्रीम में आ गया है, इसलिए ही उस आदमी का नाम ड्रीम था। पार्टी में आर्लिन भी वो ड्रग्स ले लेती है और इसी बीच मियामी की बच्ची आर्लिन से अलग हो जाती है। वो भटकते हुए ड्रीम के पास पहुंच जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर आर्लिन उस बच्ची को ढूंढने लगती है। उसके ऊपर भी ड्रग्स का असर होने लगा था और वो उस बच्ची को ढूंढते हुए कंफर्ट से बाहर आ जाती है। आर्लिन के ऊपर उस ड्रग्स का इतना असर हो गया था कि उसे पता भी नहीं चलता कि मियामी उसके पीछे खड़ा है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो कंफर्ट एरिया से काफी दूर आ गई है और मियामी उसका आर्टिफिशियल पैर लेकर उसके सामने खड़ा हुआ था जिसके बिना वो चल नहीं सकती। मियामी उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने इसे देखा है, जिस पर आर्लिन उसे झूठ बोलती है कि मैंने इसे नहीं देखा। कंफर्ट एरिया में किसी भी कैनिबल को जाने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई कैनिबल कंफर्ट में आ भी जाता है तो उसे मार दिया जाता है। इसलिए मियामी आर्लिन से एक डील करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें कंफर्ट एरिया से मेरी बेटी को ढूंढ कर लाना होगा और उसे ये भी कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ कर जान से मार दूंगा। इसलिए आर्लिन उसकी बच्ची को ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर उन्हें एक कैनिबल आदमी मिलता है और वो कैनिबल आदमी मियामी को धमकी देता है कि वो आर्लिन को उसके हवाले कर दे, नहीं तो वो मियामी को मार डालेगा और जबरदस्ती आर्लिन को अपने साथ ले जाएगा। इसलिए मियामी उसकी बात मान लेता है और वो आर्लिन को उस कैनिबल को सौंप देता है। फिर वो कैनिबल आदमी आर्लिन को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी पीछे से मियामी एक नाइफ फेंक कर उस आदमी को मारता है जो सीधा आकर उसकी पीठ में लगता है। उस कैनिबल आदमी की मौत हो जाती है और मियामी उसका सारा सामान और उसका एक हाथ काटकर अपने साथ ले जाता है। उसके बाद मियामी और आर्लिन कंफर्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में खतरनाक तूफान आ जाता है और उन्हें रास्ते में ही टेंट लगाकर रुकना पड़ता है। तूफान रुकते रुकते रात हो जाती है, इसलिए मियामी उस आदमी का कटा हुआ हाथ निकालता है डिनर बनाने के लिए और तभी कोई मियामी को गोली मारकर घायल कर देता है और वो वहाँ पर आकर आर्लिन को कहता है कि वो उसके साथ चले। फिर आर्लिन सोचती है कि क्या मुझे मियामी के साथ रुकना चाहिए या उस आदमी के साथ जाना चाहिए, लेकिन फिर वो उस आदमी के साथ जाना ठीक समझती है क्योंकि वो कंफर्ट का आदमी था। फिर वो उस आदमी के साथ कंफर्ट में आ जाती है। वो वहाँ आ तो जाती है लेकिन उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, वो वहाँ खुश नहीं थी। वो वहाँ मियामी के बारे में सोच रही थी और उस टाइम के बारे में याद कर रही थी जब मियामी ने उसकी जान बचाई थी और कैसे उसका ख्याल रखा था और उसके साथ बिताए टाइम को बहुत मिस कर रही थी क्योंकि आर्लिन अब उसे लाइक करने लगी थी और वो अब फैसला करती है कि वो अब मियामी के पास वापस चली जाएगी और अब उसी के साथ में रहेगी। और फिर आर्लिन उसी जगह पर चली जाती है। वहाँ पर उसको मियामी तो नहीं मिलता मगर उसकी ड्राइंग बुक मिलती है जिस पर वो स्केच बनाता था। आर्लिन उस ड्राइंग बुक को लेकर वापस कंफर्ट में आ जाती है और इधर वो बूढ़ा आदमी डेजर्ट में अकेला बैठा हुआ था। तभी वो कुछ दूरी पे बहुत सारे कौवे उड़ते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि वहाँ कुछ ना कुछ जरूर है। वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे मियामी बेहोश पड़ा दिखाई देता है और वो आदमी मियामी की हेल्प करता है। वो वहाँ से एक कौवे को पकड़कर मियामी को खिलाता है ताकि मियामी को थोड़ी ताकत मिले। दूसरी तरफ आर्लिन मियामी की ड्राइंग बुक देख रही थी जिसमें वो मियामी की बच्ची का स्केच भी देखती है। तब वो फैसला करती है कि वो किसी भी हाल में मियामी की बच्ची को ढूंढ कर रहेगी। वो मियामी की बच्ची का स्केच लेकर सारे कंफर्ट में पूछती है कि क्या किसी ने उसे देखा है, पर किसी ने भी उस बच्ची को नहीं देखा होता। तब आर्लिन थक कर एक जगह पर बैठ जाती है। वो देखती है कि कुछ लेडीज ड्रीम के घर से बाहर आ रही है। वहीं पर उसे एक लेडी के साथ मियामी की बेटी भी दिखाई देती है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ड्रीम ने मियामी की बेटी को गोद ले लिया होता है क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। अब आर्लिन को पता तो लग जाता है कि मियामी की बच्ची कहाँ पर है, पर वो सोचती है कि मैं उस बच्ची को कभी भी वापस नहीं ला पाऊंगी क्योंकि ड्रीम बहुत पावरफुल है और वो उस बच्ची को वहाँ से वापस नहीं आने देगा। फिर वो एक आइडिया लगाकर ड्रीम के पैलेस में जाती है। वहाँ पर बहुत सारी औरतें ड्रग्स बना रही थी और वहाँ पर ड्रीम आता है। आर्लिन उसे कहती है कि मैं भी बाकी औरतों की तरह यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। तभी एक लेडी उसे रूम में लेकर जाती है जहाँ आर्लिन बाथरूम जाने का बहाना बनाकर चुपके से अपनी नकली पाव में से एक गन निकाल लेती है और वो उस लड़की को गन पॉइंट पर ले लेती है और ड्रीम से कहती है कि तुम इस बच्ची को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं इस लेडी को छोड़ दूंगी। वो लेडी ड्रीम की वाइफ होती है इसलिए ड्रीम उसकी बात मान लेता है। फिर आर्लिन वो लेडी और मियामी की बच्ची एक गाड़ी पर वहाँ से जाने लगती है और कम्फर्ट से बाहर आने के बाद आर्लिन उस लेडी को छोड़ देती है। फिर आर्लिन
और वो बच्ची डेजर्ट की तरफ आगे बढ़ती हैं और आगे चलकर उन्हें मियामी मैन भी मिल जाता है जो अब बिल्कुल सही हो गया था। फिर आर्लिन उस बच्ची को मियामी को सौंप देती है और उसे कहती है कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन मियामी उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी दुनिया में तुम्हारे लिए मौत के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि हम कैनिबल हैं और तुम किसी भी वक्त कैनिबल का शिकार बन सकती हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम अपने ग्रुप में लौट जाओ यानी कम्फर्ट में चली जाओ। आर्लिन उसे कहती है नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, और वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैनिबल हो, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मियामी की बेटी मियामी को कहती है कि मुझे नूडल्स खाने हैं ना कि गोश्त खाना है, लेकिन वहाँ नूडल्स तो मिल नहीं सकते थे, तो मियामी उसके खरगोश को मार के उसी को पकाकर उसे खिला देता है। फिर वो सभी साथ में रहने लगते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।